आज जैसे बहुत आगे गए। अरे मालिक के हक की बात कीजिए, मजदूरों के हक की बात करते हैं, मजदूरों की अजाई बात मिली। सर सर ये मोंटो का कदम सर। सर मोंटो का एक्सीडेंट। सर जब तक पुलिस की फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हम इसे एक्सीडेंट बना के नहीं छाप सकते। सर ये गलत है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। सर क्या बता रहे हैं आप, कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हो तो बाहर आइए, सुनाई नहीं पड़ रहा है। सर सर ये मोंटो जिसकी बलाटपियर में हत्या हुई इसकी इंक्वायरी अभी तक चालू है, फिर हम इसे एक्सीडेंट कैसे बना सकते हैं। अरे भाई जो है वही दिखा रहे हैं ना, बेवड़ा था की गाड़ी के नीचे आ गया और क्या। सर ये एक्सीडेंट नहीं मर्डर है। मेरा मतलब जब तक ये इंक्वायरी चालू है तब तक हम तब से खामखा इस बात को खींचे जा रहे हैं। समझे आप, कमिश्नर देशमुख से मेरी डायरेक्ट बात हो चुकी है और आप बकवास किए जा रहे हैं। क्या मतलब, क्या मतलब, ये अखबार कौन चलाता है, मैं या आप? जाके अपना काम कीजिए, समझे आप। मैं तब से बात कर रही हूँ तुम्हें सिर्फ देख ही नहीं रहे हो, कहाँ कहाँ देखते रहते हो, पता नहीं मैं भी नहीं बात करती तुमसे। जाओ सुनो ना, तुम सुनते क्यों नहीं हो, क्या हो गया तुम्हें, तुम कुछ बताते भी क्यों नहीं हो। आजकल देखती हूँ मुझसे उखड़े उखड़े रहते हो, यही हाल अभी रहा तो बाद में क्या होगा। आई जस्ट आंसर। क्या टांगे हैं, अगर टेलर मास्टर थोड़ी सी और कंजूसी कर देता ना तो कसम से मजा ही आ जाता। जाने दो ना। अंदर लफेगा, कंप्लेंट तो बहुत देखा, लफड़ा पहली बार अंदर देख रहा हूं। क्या रे बहुत चर्बी चढ़ी का तेरे को, मुझसे क्या पूछता, उससे पूछ, पूछ अभी औलाद से क्यों मारा मैंने उसे, तुम लोगों की मेहरबानियों की वजह से ये लोग पल रहे हैं। बंद कर दो साले को, एक बार जेल जाएगा सारी कमी निकल जाएगी। मुझे बंद करने से क्या होगा इंस्पेक्टर, होश में आ, मतलब समझ इस कुर्सी का, इस शहर में जो मौत का तांडव हो रहा है उसके जिम्मेदार तुम लोग हो। ज्यादा दिन नहीं चलेगा ये सब, सुन रहा है तू। इंस्पेक्टर साहब उस गुंडे ने इनके साथ बदतमीजी की थी, तभी प्रशांत से उसकी हाथापाई हुई। हाँ इंस्पेक्टर साहब, उस गुंडे ने मेरे साथ बेहुदा हरकत की। देखिए आप लोगों के कहने पे छोड़ देता हूं इसे। समझा देना इसे, अगली बार गुंडागर्दी की ना तो दो चार महीने के लिए अंदर जाएगा। साइन करें यहां पे। अभी तुम्हारी उम्र ही ऐसी है प्रशांत,
तुम्हारी आगे पीछे सोचने की समझ पकी नहीं है, समझ जाओगे। मैं कुछ परवाह नहीं करता सर, मोंटो का कत्ल मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसे उसे भरत आचार्य ने इतनी बेरहमी से, मैं कुछ भुला नहीं पा रहा हूं सर, मैं खुद से आंखें नहीं मिला पा रहा हूं सर, यह बात अंदर ही अंदर मुझे खाई जा रही है। पुलिस ने इसे एक एक्सीडेंट बनाकर फाइल बंद कर दी, अगर मैं नहीं बोलूंगा तो मोंटो की मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट बनकर रह जाएगी सर, यह सच मैं पुलिस को बताऊंगा, बताऊंगा सर। तुम्हारा यह सच तुम्हारी बहन के लिए अभिशाप बन जाएगा प्रशांत, मुझे भी पहले सच्चाई और आदर्श बहुत त्रास आते थे, बिल्कुल तुम्हारी तरह सच्चाई के बारे में बातें करते हुए मेरी आंखों में चमक आ जाती थी। एक दिन कॉलेज में चार लड़कों को नकल करते हुए मैंने पकड़ लिया, मुझसे कहा गया कि उनमें से एक को छोड़ दो क्योंकि वो कॉलेज की कमेटी के चेयरमैन का लड़का है। मैंने इतराज किया क्योंकि मेरे लिए तो चारों विद्यार्थी एक समान थे। मेरे उस दुस्साहस का मुझे इनाम मिला, मुझे कॉलेज में से निकाल दिया गया। मेरी पत्नी ने दरवाजे पर खड़े होकर मेरा स्वागत किया गर्व के साथ, इसी पत्नी ने, और अब पूछो इससे कितना भुगतान कर चुकी है ये मेरे आदर्शों के लिए। क्यों पड़ी है बेचारी तुम्हारे सच की लाश, और ये देखो मैं इन्हें बेचने जा रहा था ताकि चार गोलियां खरीद सकूं जिससे मेरी पत्नी की तकलीफ कम हो जाए, इससे बड़ा सच तो नहीं हो सकता ना। आप मुझे सच की यह पहचान बता रहे हैं सर, तो फिर क्या मतलब है उस पाठ का जो आपने मुझे सिखाया था? आप ही ने तो मेरी जिंदगी की बुनियाद में संस्कारों की ईंटें रखी थी सर, क्या वो सब झूठ था, फरेब था? अगर वो सब झूठ और फरेब था तो मैं पूछता हूं हमें हमारे संस्कारों में ऐसा झूठ और फरेब क्यों सिखाया जाता है सर, बोलिए। सर आप मुझे मेरी इन आंखों से पहचानते हैं ना, तो फिर देखिए इन आंखों में, देखिए सर। बस तेरी सहन शक्ति का बांध टूट गया है प्रशांत, लेकिन जिस रास्ते पर तू चल रहा है वो आग का रास्ता है। ए कहां जा रहा है? मुझे देशमुख साहब से मिलना है। साहब लंच कर रहे हैं, तुम नहीं मिल सकते। मुझे अभी मिलना है, चलो बाहर। प्रशांत वर्मा नाम है मेरा, मैं नव क्रांति का सब एडिटर हूं। सर मैं आपको एक कत्ल के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। मात्रे तुम लोग जाओ। किस कत्ल की बात कर रहे हो तुम? मोंटो प्लाट पेयर पे जिसकी लाश मिली थी उसका कत्ल भरत आचार्य ने किया है। मैं वहां मौजूद था सर। हाँ मगर कत्ल के केस में एक चश्मदीद गवाह की क्या भूमिका होती है ये समझते हैं आप? मैं सब समझता हूं, मैं कोर्ट में भी बोलूंगा, मुझे किसी की परवाह नहीं है। प्रशांत जी हमें बड़ी खुशी हुई कि आप जैसे नौजवान आज भी शहर में मौजूद हैं जिनमें पुलिस की मदद करने का जज्बा है। हमें अपनी कार्रवाई करने दीजिए, आपको बयान के लिए बुला लिया जाएगा। Thank you.